आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको, 17320.5 है। ये जो एबीसी समबाहु त्रिभुज है इसकी क्षेत्रफल हमको दे चुका है, ठीक ना। और क्या है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। क्या कह रहा है, ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, ये को केंद्र मानकर ये भी भुजा का आधा लेकर के त्रिज्या लेकर के क्या बना रहा है, एक वृत्त बनाया। फिर बी को केंद्र मान करके इतना सा रेडियस मतलब त्रिज्या लेकर के और एक वृत्त बनाया। सी को केंद्र मान करके तीन वृत्त बना दिया, समझ में आया। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये जो शेडेड छायांकित भाग का इतना का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। और इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, पाई का मान दिया है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो शेडेड रीजन कहां पे है, मतलब छायांकित भाग कहां पे है, यहां पे है ना। तो इसके लिए हमको कौन सा बड़ा दिख रहा है, यही ट्रायंगल वाला क्षेत्रफल से। ये जो ए बी सी कौन है, त्रिभुज है, संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम यहां पे देखो ए से लेकर के ए बी दिए थे ना, इसको डी दे दो, ए वाला को डी दे दो सपोज, इसको ई दे दो, ठीक। तो बताओ ए डी ई क्या दिख रहा है मेरे को, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ए बी ए डी ई ए, ये कौन दिख रहा है, त्रिज्याखंड। यहां पे भी क्या है, एक त्रिज्याखंड डी ई एफ नाम दे दो। ये भी क्या है, बी एफ डी, ये भी क्या है, त्रिज्याखंड। यहां पे भी क्या दिख रहा है, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तीनों का तो क्या मिल जाएगा, यही वाला मिलेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो पहले हमको क्या दिया है, संभव त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो संभव त्रिभुज की क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो लिखोगे संभव त्रिभुज का, संभव त्रिभुज का क्या निकालना है हमको, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम एरिया लिखा, आप लोग क्षेत्रफल लिखिएगा। तो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब भुजा, भुजा स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ ये क्या लिखा मैंने, संभव त्रिभुज की क्षेत्रफल की सूत्र लिख दिया। अब बताओ संभव त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना दिया है, तो ये संभव त्रिभुज की क्षेत्रफल की जगह में कितना रखोगे, 17320.5 इक्वल्स टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा हमको पता नहीं है, एक्स मान लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी मान सकते हो या फिर भुजा भी रख सकते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई एक्स मान ले भुजा तो तीनों भुजा क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स होंगे। तो हम एक्स भी मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर कर दिए, या फिर कोई भुजा स्क्वायर भी लिखे तब भी गलत नहीं है, चलो भुजा स्क्वायर ही लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। इसमें से मैं क्या निकालना चाहता हूं, भुजा। क्यों भुजा निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये जो वृत्त खींचा गया है इसी भुजा को आधा बनाया है ना त्रिज्या। तो त्रिज्या पता करने के लिए पहले हमको इस त्रिभुज का भुजा निकालना पड़ेगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर तब क्या हो जाएगा बताओ, भुजा स्क्वायर बराबर, बराबर के इस साइड में कौन है, पहले 17320.5 लिखेंगे, बाटे में कौन बैठेंगे, रूट थ्री नीचे आएंगे और चार कहां चले जाएंगे, ऊपर। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देते हैं। इसके बाद देखो रूट थ्री का मान हमको दिया है, कितना दिया है, 17320.5। तो रूट थ्री की जगह में कितना रख देंगे, इतना वैल्यू रख देंगे। तो जो है हम लिखते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, 17320.5 इंटू 4 बाटे में, रूट थ्री की जगह में कितना रखोगे, 17320.5। ये समझ में आया कि नहीं, पहले आ गया। अब देखो यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना इंटू होने वाले हैं, 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगाओगे,
ये समझ में आया? अब ए वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे? 10। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे और यहां पे बराबर है कि नहीं? इधर वाले और इधर वाले बराबर है कि नहीं? तो ये और ये काट गए, यहां पे एक जीरो और यहां पे एक जीरो काट दो, तो बचा कितना? 4 के साथ इंटू करोगे तो 4, 1, 2, 3, 4, 0 चार जीरो लगा दिए। आप देखो यहां पे भुजा स्क्वायर है, हमको चाहिए क्या? भुजा खाली चाहिए, तो भुजा बराबर तब कितना हो जाएगा बताओ? भुजा बराबर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएंगे 40,000। समझ में आएगी नहीं? अब देखो इसको निकालने के लिए आप लोग बहुत लंबा भाग करने जाओगे ना, करने की जरूरत नहीं है, जीरो को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। 4 का कितना होता है? 2। कितने जीरो है? 4 जीरो, तो 2 जीरो बाहर कर दो, बस हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? तो कितना आ गया? 200 क्या था? यूनिट सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया सबको? इसके बाद देखो, जब हमको ये पता चल गया, अब क्या निकालने वाला हूं? ए डी ई का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकाल रहे हैं? ए डी ई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमने एरिया लिखा, आप लोग क्षेत्रफल लिखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब बताओ यहां पे थीटा कितना होगा? ये थीटा कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, ए वो 60, ए वो 60, ए वो 60। तो थीटा के जगह में कितना रखोगे? 60 बटे में 360 गुणे पाई का मान कितना बोला था? 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 रखेंगे। आर कितने हो जाएंगे बताओ? ये पूरा कितना आ चुका है? 20 आया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। इसके बाद क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा दो, नीचे कितने हो जाएंगे? 2 जीरो, ये सौ काट दो, ये जीरो काट दो, 6 को काटो, 6 कितना हो गया? 36। फिर 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3। और ये कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2, 1 11, 2 5 10, दूसरे 14, यही ना आ रहा है? अब इंटू करोगे तो कितना होने वाले हैं ये? 1, 5, 7, 0, 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
स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? ये कितना का निकाला? खाली इतना का, इतना ना, ये वाला का। ऐसे कितने हैं? यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो ये इसका 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 पूरा निकालने के लिए क्या करोगे? तीन से इंटू कर दो। तो हम क्या कर देते हैं, डी बी एफ और ई सी एफ, कहने का मतलब टोटल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो कितने हो जाएंगे? टोटल त्रिज्याखंड का, या फिर कुल लिखोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? ये तो एक का था, ये एक का ना था, तो इसके साथ क्या कर दोगे? तीन इंटू कर दोगे। तो तीन इंटू करोगे तो कितने हो जाएंगे बताओ? थ्री इंटू 1570 बटे में तीन, तीन तीन काटा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब यही वाला हमको क्या करना है, संभव त्रिभुज की क्षेत्रफल से माइनस करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? छायांकित, हम शेडेड लिख रहा हूं, आप लोग छायांकित लिखिएगा हिंदी में, छायांकित। शेडेड रीजन का, रीजन का क्या निकल रहा हूं? क्षेत्रफल, आप लोग हिंदी में क्षेत्रफल लिखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे उसके लिए, क्या करना है हमको, समभुज त्रिभुज की क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे क्या? इस ये जो कुल कुल त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल, सॉरी कुल त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल, ये वाला माइनस कर देना है। तो बताओ वो कितना आया था हमारा? इतना था ना, 1732.5 था, 1732
2 0.5 क्या था समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, माइनस किसको करोगे, ये कुल जो है कितना है 1 5 7 0 0। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। तो घटाना है, देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या करोगे यहां पे पॉइंट लेकर के क्या कर सकते हैं हम बताओ, पॉइंट लेके जीरो ले सकते हैं, 6 6 हो गए। अब 5 से 0 मतलब 5 से 0 घटाओगे तो कितना होगा 5, दशमलव है दशमलव लगा दो, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, फिर 2 से 0 जाएंगे तो कितना होगा 2 13 3 हो रहा है, तो 1 उधारी लोगे तो 13 से 7 जाएगा तो कितने होंगे 6, यहाँ पे 6 है तो 1, तो कितना 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, सबको आ गया ना। क्या और एक है, क्या किया मैंने, ए बी सी जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था उसमें ए त्रिज्याखंड तीनों को जोड़ के माइनस कर दिया, बस आ गया, 1 का निकाल के 3 से इंटू कर दिया, मतलब तीनों का हो गया माइनस का, तो आ जाएगा। समझ में